हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, जैसा कि आप अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया तो आप देख रहे होंगे कि इन दिनों मैं सिट्रिक्स के वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो जिसमें आज हम सीखेंगे कि पूरा हमको एक सेटअप कॉन्फिगर करना पड़ता है, ठीक है। जो इसके कॉम्पोनेंट वगैरह है मैंने पिछले वीडियोज़ में आप लोगों के साथ में शेयर किया हुआ है। और अब हम देखेंगे कि इसको सेट कैसे करना होता है, इंफ्रा कैसे लगाना पड़ता है। और जैसे कि एक मिनट में, जैसे कि मैंने पिछले वीडियोस में बताया था लैब सेटअप हम किस तरीके का एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे। तो उसमें क्या है, उस एनवायरनमेंट में जो कंपोनेंट मैंने बताया था उसमें एक एक्टिव डायरेक्टरी भी बताया था, ठीक है, ऑथेंटिकेशन के लिए, यूज़र ऑथेंटिकेशन के लिए। और उसके बाद में हमें DNS भी कॉन्फिगर करना पड़ता है। मतलब ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, अगर आप ये शुरू से अच्छे से कॉन्फिगर नहीं करते हैं प्रॉपरली तो आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मिस कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है। तो इसमें देखिए, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था कि हम एक एक्टिव डायरेक्टरी इस्तेमाल करेंगे। ये एक्टिव डायरेक्टरी है और उसके बाद में ये हमारा एक डिलीवरी कंट्रोलर रहेगा, DC सर्वर। इस पर हम वर्चुअल सिट्रिक्स वर्चुअल ऐप एंड डेस्कटॉप इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद में हमारे पास दो जेन सर्वर रहेंगे, ठीक है। तो जेन सर्वर, हम इनकी एंट्री हमको DNS में करनी पड़ती है। ये सर्वर को हमको यहाँ पे डोमेन में ऐड कराना पड़ता है। तो वही बेसिक अंडरस्टैंड चीज़ें हम पहले समझेंगे इसमें। और ये फिर Windows 7 वगैरह और Windows 10 की क्लाइंट मशीन। तो मेरे पास एक्टिव डायरेक्टरी है, ये सर्वर मैंने इंस्टॉल कर लिया है और एक मैंने होस्ट ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिया है। अगले वीडियो में मैं दूसरा होस्ट इंस्टॉल, होस्ट कहें या फिर इसको हाइपरवाइजर कहें, इसको इंस्टॉल करना मैं सिखाऊंगा। तो सबसे पहले अगर आप देखना चाहें मेरे पास जो इंफ्रा है, तो देखिए india.com मेरी एक्टिव डायरेक्टरी है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि आप भी इस तरीके से इसको सेटअप कर सकें। तो सबसे पहले अगर आप यहाँ पर जाते हैं, ठीक है, लोकल सर्वर पर, तो देखिए एक्टिव डायरेक्टरी DNS दो चीज़ें इस पर इंस्टॉल है अभी और IIS भी दिख रहा है, ठीक है तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखिए इसका नाम है winindiaad इसका होस्ट नेम है, india.com इसका डोमेन है, 10 इसका IP एड्रेस है, ठीक है। और इसके अलावा यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे अगर हम जाते हैं तो कुछ मैंने यूज़र वगैरह क्रिएट करके रखे हैं, कुछ यूज़र्स हैं, जैसे कि ये देखिए एक Windows 7 की एक मशीन ऐड है, ग्रुप बना के रखे हैं, कुछ सर्वर पे कुछ नहीं है और कुछ यूज़र हैं, 2-3 यूज़र। और यहाँ पे जाइए डोमेन कंट्रोलर पे, तो ये मेरा DC है, ठीक है, ये एक्टिव डायरेक्टरी होगी। अब इसके बाद में ये मेरा एक सर्वर है, कहना चाहिए हाइपरवाइजर है, जिसको मैंने ऐसे ही बताने के लिए, बेसिक बताने के लिए कॉन्फ़िगर करके रखा है। अगर आप इसको देखें तो इसमें मैंने IP एड्रेस दिया है 192.168.0.15, इसका गेटवे है और होस्ट नेम इस तरीके से देना है। जेन आप कुछ भी दे सकते हैं लेकिन डॉट आपका डोमेन लगा के लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये एक बेसिक ध्यान रखें। उसके बाद में ये हमारे पास एक सर्वर है, ये विंडोज सर्वर 2016 मैंने इंस्टॉल किया, इसमें कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है। अगर आप लोकल सर्वर देखें तो ये डोमेन में भी एडेड नहीं है। तो इसका नाम मैंने DC01 दिया है और इसको मैं लगे हाथ अब इसमें ऐड भी करा देता हूँ डोमेन में, ठीक है। तो इसको आपको india.com नाम दे देते हैं, यहाँ पे मैंने दे दिया इसका india.com नाम, और ये इसमें ऐड हो जाएगा। पासवर्ड इनकरेक्ट, अभी हो गया, इसको रिबूट कर देंगे, ठीक है। तब तक अभी मेन कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप इस तरीके के जेन सर्वर लगाते हैं यहाँ पे 3-4 जेन सर्वर, ठीक है, तो वो जेन सर्वर आपके डोमेन से कम्युनिकेट करना चाहिए। जैसे कि अगर आप इसकी प्रॉपर्टी पे जाएं तो इसका होस्ट नेम क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए होस्ट नेम अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा genS01.india.com। तो ये नेम रेजोल्यूशन होना चाहिए, सबसे पहली चीज़ आपको यही करना है। तो देखिए अगर आप इस पे जाते हैं एक्टिव डायरेक्टरी पे और इसके DNS पे जाते हैं, मान लीजिए DNS पे गए आप, तो DNS पे अगर आप जाएंगे यहाँ पे india.com, तो देखिए इसकी कोई एंट्री नहीं है, ठीक है। इस अभी जो मैंने सर्वर बूट किया है उसका IP एड्रेस 11 है,
एक चीज मुझे देखना है। हाँ, 11, ठीक है। आईपी वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये इसकी एक होस्ट एंट्री क्रिएट हो गई। तो वैसे ही हमें जो हमारे जेन सर्वर है उनकी भी एंट्री करनी है। तो यहाँ पे आप न्यू होस्ट करेंगे, उसका पूरा नाम दे देंगे। तो इसका नाम है, सबसे पहले तो मैं आपको नाम ये क्रिएट करने से पहले वेरीफाई करता हूँ। CMDB जाइए, पिंग करते हैं 192.168.0. उसका आईपी एड्रेस मैंने क्या दिया है जेन का, मुझे देखना पड़ेगा। शायद 15 दिया है मैंने, 15 आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो पिंग करेंगे तो देखिए ये आईपी एड्रेस पिंग हो रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको होस्ट नेम से पिंग करें तो होस्ट नेम से पिंग होगा क्या? होस्ट नेम क्या है? जेन इज 01, तो ये पिंग नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब नेम रेजोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो यही हमको फिक्स करना है। तो उसके लिए क्या है, आपको यहाँ पे एक होस्ट रिकॉर्ड बनाना पड़ेगा। यहाँ पे आप होस्ट रिकॉर्ड दे देंगे 01 डॉट डॉट नहीं लगाना, सिर्फ उतना नाम दे देंगे india.com, खुद ब खुद जुड़ जाएगा। और इसका आईपी एड्रेस 192.168.0.15, ठीक है। आप पॉइंटर रिकॉर्ड भी क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, इसको क्लोज कर दीजिए। अभी हमने यहाँ पे एक रिकॉर्ड क्रिएट कर लिया। अब इसी को हम रन करते हैं, माइनस टी कर देता हूँ। आप पहले होस्ट नेम से ही ट्राई करिए। तो देखिए अभी भी ये डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आ रहा है, लेकिन ये पिंग होना चाहिए। एक मिनट, मुझे वेरीफाई करना होगा यहाँ पे कि आईपी पिंग हो रहा नहीं हो रहा। सबसे पहले तो इसको कंट्रोल सी करते हैं, पिंग 192.168.0.15 माइनस टी। इसका आईपी थोड़ा ध्यान देके करिएगा, इसको गड़बड़ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे चेन s01.india.com, तो इसको हमको वेरीफाई करना है DNS पे मैंने सही से बनाया है कि नहीं बनाया। s01 15 आईपी दिया है, ठीक है। तो यही हमको वेरीफाई करना है, इसको कंट्रोल सी करता हूँ मैं। होस्ट नेम से पिंग नहीं हो रहा है, होस्ट नेम पूरा होस्ट नेम देते हैं zen.india.com, तो ये पिंग होना चाहिए। ये नेम रिजोल्व करना चाहिए, ये प्रॉपर्टी में जाता हूं मैं 01india.com। इसको रिबूट करेंगे एक बार। अभी पिंग होगा, बीस नहीं 15, ये 20 पे जा रहा है। इसका मतलब कहीं पे एंट्री बनी है, ये 20 नहीं होना चाहिए, 15 आना चाहिए। हमने इसको तो 15 कर दिया है, ये यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। इसको मैं देखता हूँ, 20 की कोई एंट्री दिख रही है यहाँ पे हमें, यहाँ पे। देन हमको CMD पे जाके DNS IP config slash, ये हो गया। अब ये जाके पिंग होना चाहिए, देखिए पिंग होने लग गया, ठीक है। और DNS में एंट्री हो जाती है, उस वजह से नहीं होता कभी कभी। तो इसको आप इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। दोनों होस्ट नेम पे ये रेक्टिफाई हो रहा है। तो इस तरीके से हमको इसको और सिट्रिक्स को भी हम चेक कर सकते हैं, ये वाले को भी, ये वाला, ये तो ये हो जाएगा क्योंकि ये तो मैनुअल ऐड हुआ ही है। इसके बाद में इसको आप पेस्ट कर देंगे तो ये भी रिजॉल्व हो रहा है। तो ये बेसिक काम होता है। और यहाँ पे
जी एक कंडीशनल फॉरवर्ड, ये तो मैंने कुछ मेरे पिछले वीडियोस के लिए बनाया था, परिवर्स लुकअप जोन पे जोन वगैरह की जरूरत नहीं है हमें कुछ भी क्रिएट करने की, सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। india.com पे जाके एक रिकॉर्ड, जब हम एक और सर्वर इंस्टॉल करेंगे तो उसका रिकॉर्ड भी यहाँ पे बनाएंगे ताकि ये पिंग हो सके और कम्युनिकेशन हो सके। और इस तरीके से बेसिक है, अब ये हमारा जो सर्वर है ये बूट हो गया है। आप यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र भी यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं डोमेन यूज़र ही इसमें डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर ही यूज़ करूँगा। सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए और इसका पासवर्ड दे देंगे हम। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, .NET इंस्टॉल करना होता है सबसे इम्पोर्टेंट। कीबोर्ड अटक रहा है मेरे को, मैंने एक पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें बताया था कि हमको ये जो सिट्रिक्स वर्चुअल ऐप एंड डेस्कटॉप इंस्टॉल करना होता है, उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट है कि .NET सबसे पहले हमको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो आप इसमें .NET इंस्टॉल करेंगे ये वाले सर्वर पे, इससे हमने कनेक्टिविटी करा दी है और ये चल रहा है। आप इस पर और कुछ ऑथेंटिकेशन वर्चुअल मशीन, आप नेटवर्क इस पर जाएंगे, यहाँ पे देखिए DNS सर्वर की एंट्री गलत दिख रही है मुझे, तो हम इसको चेंज करेंगे। यहाँ पर लॉगिन इसका पासवर्ड डाल के वेरीफाई कर लेंगे एक बार, रिमूव सिंगल DNS, अब इसको हम दे देंगे 192.168.0.10। ये क्या हो गया, DNS add DNS yes 192.168.0.10, इसको एंटर कर देंगे ओके। और इसके बाद में आपको यहाँ पे टेस्ट करना हो नेटवर्क, तो आप देख सकते हैं ये तो पिंग नहीं होगा, लेकिन हम कोई आईपी एड्रेस चेक करके देख सकते हैं कि हमारा एक्टिव डायरेक्टिव पिंग हो रही कि नहीं हो रही। तो देखिए पिंग हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से वेरीफाई कर लेंगे आप। और यहाँ से बाहर निकलेंगे, एनटीपी डिसेबल्ड है यहाँ पे, DNS की एंट्री चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, सही से हुई कि नहीं हुई, हो गई है। F5 से हम रिफ्रेश कर सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में आप चाहें तो इसको रिबूट कर सकते हैं, रिबूट और शट डाउन। सो एंटर एग्जिस्ट मेंटेनेंस, मैं जैसे रिबूट करता हूँ एक बार, फेट करेंगे यस, ये बेसिक है, ठीक है। और इसके बाद में अब हम इस सर्वर पे आ गए, तो सबसे पहले आप सर्वर पे जाके रोल इंस्टॉल करेंगे, फीचर बेसिकली कौन सा, .NET का। तो .NET आप इंस्टॉल कर सकते हैं लाइक इसको चकमाक लगाइए और आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं इसको। इसका पाथ आपको क्या है, यहाँ पे आपके पास है जो IIS इमेज है वो माउंट होना चाहिए, इसको आप ओपन करेंगे, आपको सोर्स में ये वाला पाथ आपको कॉपी पेस्ट करके वहाँ पे देना है, ये वाला पाथ। तो यहाँ से वो फाइल ले लेगा, ओके करेंगे, इसको रीस्टार्ट अगर करना हो तो लगा सकते हैं, इंस्टॉल कर देंगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा इसमें। तो ये बेसिक काम हमको करना है और इतनी सारी चीज़ें हैं, अभी देखिए इसका स्टैट दिखा रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। और इस पर जाएंगे अगर हम, मुझे DNS का थोड़ा सा डाउट जाता है इसलिए मेरे को DNS चेक करना है। तो 88 आ रहा है अभी भी, 88 नहीं आना चाहिए, ये 88 DNS नहीं आना चाहिए। One,
रिलेटेड, ओके नाउ ऐड करेंगे, ऐड 192.168.0.10, ये मेरे को थोड़ा सा एंटर ओके एडेड ओके हो गया। F5 से इसको रिफ्रेश कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हमारा ये इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो इंस्टॉल हो रहा है ये। तो गाइस ये बेसिक सेटअप है, ठीक है। इसके बाद में अब हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में आपको जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना बताऊंगा इस सर्वर पे। इतना सारा चीज़ आपको पहले से कनेक्टिविटी करनी है तीनों सर्वर के बीच में, .NET इंस्टॉल करना है, DNS कॉन्फ़िगर करना है, एक्टिव डायरेक्टरी कॉन्फ़िगर करनी है, फिर उसके बाद में बाकी के कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि अगर आप सेटअप कर रहे हैं, मैंने ये स्लाइड चेंज किया थोड़ा सा, तो इसमें मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर हम ये जो हमारा DC है जिसको हम डिलीवरी कंट्रोलर बोलते हैं, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या है, बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है। डेटाबेस इंस्टॉल करना पड़ता है, SQL, तो वो SQL मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और ये भी रन टाइम उसी के साथ इंस्टॉल होता है, और .NET मैंने अभी बता दिया इसमें इंस्टॉल करना, बाकी की चीज़ें हम अगले वीडियो में इंस्टॉल करेंगे और आगे की वीडियो में सारी चीज़ें सीखेंगे। तो एक बार और आप इसको देखेंगे तो देखिए ये फीचर इंस्टॉल हो गया है, तो आगे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ISO इमेज आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और मैं अगले वीडियो में बताऊंगा उस इमेज को कैसे यूज़ करते हैं। तो एक बार और आप वेरीफाई कर लीजिए नेम रेजोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो देखिए ये सिट्रिक्स जिसपे हम ये DC बनाएंगे वो पिंग हो रहा है। उसी तरीके से अब यहाँ पे आप आपका जो Zen सर्वर है Zen S01 वो भी पिंग हो रहा है, नेम रेजोल्यूशन हो रहा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। सो गाइस अगले वीडियो में हम मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सीखने की कोशिश कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूले। बाय बाय।